राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लवान्वित स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ताकि शहरी एवं ग्रामीण गरीब परिवारों की गरीबी एवं उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव लाकर उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। जिसके तहत मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विकास खंड ढीमड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सभाओं में आदिवासी महिलाओं ने NRLM की मदद से 12 सदस्यों से मिलाकर पूजा स्व सहायता समूह का गठन किया है। और जो महिलाएं कल तक अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए बधुआ मजदूरी करती थी, घर की चूल्हा चक्की व घर के चार दीवारी के अंदर कैद रहकर समाज के मंदों में बंधकर अपना जीवन जी रही थी, आज वो महिलाएं अपने ही गांव की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाए जा रहे राशन की दुकान को चला रही हैं, जिसके तहत गरीब परिवारों के प्रत्येक सदस्य को हर माह 3 किलोग्राम चावल व 2 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। क्या नाम है आपके समूह का? स्वसहायता पूजा समूह। अच्छा, जो आप ये काम कर रही हैं, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि हम लोग राशन की दुकान चलाएं? हमको समूह द्वारा। किसने आपको प्रेरित किया ये काम करने के लिए? समूह से वो जो क्लब सर जी हैं ब्लॉक से, उनने हमको मतलब ये काम करने के लिए आदेश दी है। दीदी, आप लोग क्या काम करते थे? हो गया अपना घर का काम, जो मतलब खेती बाड़ी किसानी वो करते थे, और उसके माथा से मतलब हमारा नहीं चल रहा था, तो हमने स्व सहायता समूह द्वारा मतलब ऐसे काम मांगे। हमको ये काम शुरू करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी। कैसी हिचकिचाहट हो रही थी? वह जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो अभी फर्स्ट कर रहे, ठीक है, अब उसमें अपन आगे का कारभार तो किया नहीं, तो ऐसे हमको शर्मिंदा टाइप से हो रही थी। जैसे गांव में कुर्सी में बैठना या कोई काम करना, सब सियाने बुजुर्ग या छोटे बड़े सब लोग उनके सामने थोड़ा सा बैठने में थोड़ी सी परेशानियां भी गुजर रही थी। अच्छा, आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। दीदी, आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? हम आगे और यही काम को बढ़ाना चाहते हैं, और हमको लग रहा है कि हम जो भी काम करते हैं तो आगे बढ़ता जाए। तो ये काम शुरू करने से आपकी कितनी महिलाओं को फायदा है? यानी कि सभी महिलाओं को फायदा है। कितनी महिलाएं आपको? 12। समूह में क्या पद है आपका? ये विक्रेता का पद है। कब से चला रही है दुकान? ये 6 महीने हो गए। तो कैसा लग रहा है ये काम करने में आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। दीदी, आप लोग किस तरह से इस काम को कर रहे हैं? ऐसे फिंगर विंगर लगाने के काम में, और एक दीदी है तो राशन वितरण करने के काम में। आप कौन सा काम कर रही हैं? हम ये फिंगर लगाने का। क्या कहना चाहेंगे? सोचते हैं अब जैसे हम लगे ऐसे सब कोई एक दूसरे से मतलब जोड़ जाए, सब कोई करे ये सब काम। इस वीडियो के माध्यम से अन्य महिलाओं भी को बोलना चाहते हैं कि समूह चलाओ, जैसे आपके गांव में भी दुकान है तो ऐसे बोलते हैं मतलब महिलाओं को कि आपके गांव में दुकान है या कि दुकान चलाना है, कुछ भी करना है तो समूह के माध्यम से किया जाए। जो समूह आपके गांव की राशन दुकान चला रहे हैं, तो किस तरह से इनके ऊपर आपका सहयोग है? हम सोचते हैं कि अच्छा मतलब इनका विकास हो, कुछ मतलब अपने से काम, महिलाएं समूह में जुड़कर अपना मतलब काम खुद स्वयं करना, हम लोग मिलकर इनका सहयोग करते हैं आदिवासियों लोगों का। अच्छा, ये जो समूह बना है तो इसमें सारी आदिवासी महिलाएं? आदिवासी हैं और कुछ मतलब ऐसे सामान्य, हर समूह मतलब हर मतलब कास्ट लोगों के सब में से जुड़े हैं, महिलाओं का समूह बना है। आगे चलकर किस तरह से आप लोगों का सहयोग रहेगा इनके लिए? इनके लिए हम सोचते हैं अच्छा बढ़िया बढ़िया काम मिले और सहयोग सब जितना बन सके उतना करेंगे सहयोग। हमारे इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अन्य महिलाओं के लिए यह वीडियो एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार जोहार।